सो हाई गाइज एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल डेली जी के गुरु। आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो 9th अक्टूबर के लिए है, और प्रीवियस करंट अफेयर्स के वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करें, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेटिव अमेरिकन वुमेन टू गो टू स्पेस। तो पहली नेटिव अमेरिकन वुमेन कौन बनी है जो स्पेस में जा रही हैं? तो ऑप्शन है निकोल मैन, निक्की हैली, स्वेला ब्रेवरमैन या फिर एलेसा जेम्स। तो राइट आंसर है निकोल मैन। अच्छा, बात करें निकोल मैन की, तो ये 45 वर्षीय हैं और इंडिया नासा की जो नासा का जो मिशन है उसमें उससे ये जाएंगी। क्रू फाइव मिशन का नाम है, ठीक है। ये जाएंगी और ये लीड करेंगी इस टीम को, ठीक है। 5 लोगों की टीम होगी, ये इस टीम को लीड करेंगी, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये जाएंगे, ठीक। अच्छा, बात करें निकोल मैन की, तो ये है निकोल मैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान। तो किनको नियुक्त किया गया है राजदूत जापान के लिए? तो ऑप्शंस हैं सिबी जॉर्ज, निक्की हैली, विलियम डेविस या फिर एलिस जेम्स। तो इसका राइट आंसर है सिबी जॉर्ज, ठीक है। सिबी जॉर्ज हैं, इनको जो है अपॉइंट किया गया है राजदूत या फिर बोले तो एम्बेसडर टू जापान, ठीक है। ये है सिबी जॉर्ज। और बात करें जब हम एम्बेसडर की बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट हैं वो एम्बेसडर टू यूएस है, ठीक है। एम्बेसडर टू यूएस कौन है? तरनजीत सिंह संधू हैं यूएस के लिए एम्बेसडर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, बात थी जापान की, तो जापान की बात करें तो पीएम हैं इनके फुमियो किशिदा, ये रहे फुमियो किशिदा, ये हैं। एम्परर जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ एम्परर चलते हैं, तो एम्परर नारुहितो है, हेड ऑफ द स्टेट जो है नारुहितो है। कैपिटल यहाँ की टोक्यो है और करेंसी यहाँ की येन है। अच्छा, जापान की बात कर रहे हैं तो पासपोर्ट इंडेक्स जो आता है, ठीक है, उसमें जो है जापान जो है वो पहले स्थान पर है और भारत की रैंक 83 है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन कॉल्ड दक्ष। तो दक्ष नाम का वेब एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है शक्तिकांत दास, निक्की हैली, नरेंद्र मोदी या फिर जेपी नड्डा। राइट आंसर इज शक्तिकांत दास, ठीक है। जो शक्तिकांत दास जी हैं ये आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। प्रेजेंट गवर्नर जो हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास जी हैं। और बात करें इस एप्लीकेशन की, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू जितने भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होंगे, ठीक है, उसको मॉनिटर किया जा सकेगा, जैसे मतलब उनका अनुपालन किया जा सकेगा, जैसे एफिशिएंट पॉलिसी मैनेजमेंट सिस्टम जो है इससे सही होगी, ठीक है। और इससे साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग और एनालिसिस भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कह सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। बात करें शक्तिकांत दास जी की, तो ये हैं शक्तिकांत दास। अच्छा, आरबीआई की बात थी, तो आरबीआई का फुल फॉर्म हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाउंडेशन जो है इसका स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 में हुआ। अभी के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं और हेड ऑफिस जो है इसका मुंबई में है, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको दिमाग में रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। तो SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO अभी किनको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है शक्तिकांत दास, विजय शर्मा, किशोर कुमार, पोलू दासू है क्या, अब पता नहीं प्रोनंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। तो पोलू दास जी हैं और सुशील कुमार, ठीक। तो इसका राइट आंसर है किशोर कुमार पोलू दास, ठीक है। अच्छा, बात करें किशोर कुमार पोलूदास की, तो ये हैं किशोर कुमार पोलूदास। अच्छा, बार बार कहते हैं अपॉइंटमेंट से जितने भी क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो कहीं पर लिख लीजिएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट से एक न एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ठीक है। एग्जाम में, हर एग्जाम में लमसम 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो अपॉइंटमेंट से आता ही आता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। अच्छा, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये कौन बने हैं? FIH की जब हम बात करते हैं तो FIH का फुल फॉर्म हो गया फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड हमने कल 2 क्वेश्चन और पढ़े थे, ठीक है, कि जो FIH, जैसे यहाँ पर प्लेयर ऑफ द ईयर है तो FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किनको दिया गया था, ठीक है। तो
वो अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक क्वेश्चन और हमने पढ़ा था, FIH मेंस एंड वुमेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड किनको दिया गया था, ठीक है, किनके नाम रहा। तो मेंस वाला जो है वो किनके नाम था, PR श्रीजेश थे, और वुमेंस वाला सविता पुनिया, ठीक है। अब बात है यहाँ पर FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है सविता पुनिया, सुरेंद्र शर्मा, हरमनप्रीत सिंह या फिर मुमताज़ खान। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। इनको जो है प्लेयर ऑफ द ईयर से इनके कह सकते हैं कि इनको ये टाइटल मिला, प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल इस बार का हरमनप्रीत सिंह को मिला है, ठीक है। अच्छा, FIH जो है ये हॉकी का है, ठीक है, ये हॉकी से रिलेटेड है, ठीक। और बात करें मुमताज़ खान, तो ये जो मुमताज़ खान है इन्हीं को FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड टाइटल इनको मिला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अच्छा, उस पे जाने से पहले ये है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर राजस्थान एट नेशनल गेम्स। तो राजस्थान की तरफ से नेशनल गेम्स में पहला पदक, स्वर्ण पदक किसने हासिल किया। तो ऑप्शन है सविता पुनिया, विवान कपूर, हरमनप्रीत सिंह या मुमताज़ खान। तो इसका राइट आंसर हमारा है विवान कपूर। विवान कपूर जो है ये शूटर हैं, ठीक है, प्रोफेशनल शूटर हैं ये, इन्होंने जो है गोल्ड हासिल किया राजस्थान की तरफ से। अच्छा, बात करें नेशनल गेम्स की, तो ये हो कहाँ रहे हैं नेशनल गेम्स, इसके पहले कई बार आ चुका है, नेशनल गेम्स जो है हमारा गुजरात में हो रहे हैं, ठीक है। लमसम डेली एक क्वेश्चन आ जा रहा है क्योंकि कोई ना कोई गोल्ड जीत ही रहा है, और इससे बार बार हमारा रिविजन भी हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे विवान कपूर जो है इन्होंने गोल्ड जीता है शूटिंग में, ठीक है, राजस्थान के लिए। ये हैं विवान कपूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, बात है राजस्थान की, तो राजस्थान से जो CM है राजस्थान के वो है अशोक गहलोत, जो कि इस फोटो में आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये हैं अशोक गहलोत। और बात करें गवर्नर की, तो कलराज मिश्रा जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं, कैपिटल जो है वो जयपुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ सुजलॉन एनर्जी, ठीक है। तो सुजलॉन एनर्जी के नए चेयरमैन और MD कौन बने हैं। ऑप्शन है संदीप गुप्ता, विनोद आर तांती, हरमनप्रीत सिंह या प्रशांत कुमार, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विनोद आर तांती। इनको जो है चेयरमैन और MD नियुक्त किया गया है सुजलॉन एनर्जी का। अच्छा, इस ऑप्शन में डी ऑप्शन जो दिख रहा है प्रशांत कुमार, इनको भी अभी कुछ इनको भी MD और CEO बनाया गया है। तो किस कंपनी का MD और CEO बनाया गया है, तो इनको येस बैंक का बनाया गया है, ठीक है। याद रखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो दिमाग में रखेंगे विनोद आर तांती को जो है वो चेयरमैन और MD बनाया है सुजलॉन एनर्जी का, और जो प्रशांत कुमार हैं इनको MD CEO बनाया गया है किसका, येस बैंक का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, बात करें सुजलॉन एनर्जी की, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में डील करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम दिमाग में रखेंगे, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है विनोदार तांती, ठीक है, विनोदार तांती यही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज, तो 9th अक्टूबर को किस तरीके से मनाया जाता है, मतलब किस लिए याद रखा जाता है। तो 9th अक्टूबर जो है इज सेलिब्रेटेड एज, ऑप्शन वर्ल्ड पोस्टल डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड ओशियन डे या वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो राइट आंसर है इसका वर्ल्ड पोस्टल डे, ठीक है। पोस्टल सेक्टर के कह सकते हैं कि जो भी अचीवमेंट है इनको ध्यान में रखते हुए ये पोस्टल डे मनाया जाता है, ठीक है, 9th अक्टूबर पोस्टल डे, ठीक है। डेज भी याद रखेंगे, कई सारे डेज भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, एग्जाम में, ठीक है, इन सबको ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर थोड़े भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।